प्रेरणा कथा, एक नई सिंड्रेला। ये कहानी पुरानी सिंड्रेला की फोक कथा से प्रभावित है, परंतु एकदम नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। हम आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आएगी। कृपया इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। समंथा रोज नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो एक गुलाब के फूल की तरह थी, परंतु उसके जीवन में दुख ही दुख था। वो अनाथ थी और किसी तरह भीख मांगकर जिंदा रहती थी, और कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह रात काट लेती थी। एक दिन रुसल नाम की एक बहुत ही अमीर औरत ने समंथा रोज को गोद लेकर अपनी बेटी बना लिया। रुसल का अपने पति से तलाक हो चुका था। रुसल एक बहुत बड़े बंगले में रहती थी। उसके पास बहुत सी कारें और बहुत से नौकर थे। समंथा रोज अपनी नई जिंदगी से बहुत ही खुश थी। वो अपनी नई माँ रुसल से बहुत प्रेम करती थी। रुसल भी समंथा रोज की बहुत अच्छी देखभाल करती थी। रुसल ने उसको एक अच्छे स्कूल में पढ़ने भेज दिया। उसकी माँ रुसल उसको जो कुछ भी करने को कहती वो खुशी खुशी कर देती थी। इसी दौरान समंथा रोज की नई माँ रुसल को स्टीव नाम के एक पुरुष से प्रेम हो गया। वो एक बहुत अमीर व्यापारी था। वो करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक था। रुसल और स्टीव ने शादी कर ली और अपना नया परिवार बना लिया। उनकी भी दो बेटियां हुई। उनके नाम एलिस और निक्की थे। धीरे धीरे रुसल अपने नए परिवार की तरफ अधिक ध्यान देने लगी। समंथा को अपनी माँ की नई शादी और उसकी दो बेटियों के कारण अलग थलग ही रखा जाने लगा। समंथा बहुत ही अकेली महसूस करने लगी। उसकी माँ की बेटियाँ एलिस और निक्की समंथा से 8 साल छोटी थी। जब वो बेटियाँ थोड़ी बड़ी हुई तो समंथा से घृणा करने लगी, क्योंकि समंथा उनसे बहुत ही सुंदर थी। रुसल की बेटियों ने समंथा के साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि समंथा एक नौकरानी थी। उसको अपने शानदार सजे हुए कमरे से निकाल दिया गया और उसको बंगले के बाहर पीछे बगीचे में एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद समंथा ने एक होटल में खजांची के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो अपनी ज़रूरतें अपनी तनख्वाह से ही पूरी करने लगी। लेकिन अपनी सौतेली बहनों के व्यवहार से वो बहुत ही दुखी थी। कुछ वर्ष बीत गए। रुसल के मन में भी अभी भी अपनी गोद ली हुई बेटी समंथा के लिए थोड़ा सा स्थान था। रुसल अब समंथा को फिर से अपने परिवार से जोड़ने का प्रयास करने लगी। उसने अपनी दोनों बेटियों और समंथा को एक ही कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। समंथा पढ़ने में बहुत तेज थी। उसकी सौतेली बहनें उससे उसकी बुद्धि के कारण और भी घृणा करने लगी। सभी लोग समंथा की ही प्रशंसा करते थे। उसकी दोनों सौतेली बहनों को कोई पूछता भी नहीं था। उस कॉलेज में कार्टन नाम का एक सुंदर लड़का भी पढ़ता था। वो एक शाही परिवार से था। समंथा की दोनों सौतेली बहनें कार्टन से बहुत प्रभावित हुई थी और वो उस पर अपने डोरे डालने के प्रयास करने लगी। वो किसी भी तरह से कार्टन को प्रभावित करना चाहती थी, लेकिन कार्टन तो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। हालांकि वो अन्य सभी से बहुत ही मिलनसार था। कार्टन समंथा की तरफ आकर्षित हो चुका था। समंथा और कार्टन दोनों ही बहुत अच्छे मित्र बन गए। कार्टन को समंथा की कहानी मालूम चली तो वो उस पर पैसे भी खर्च करने लगा और उसकी हर तरफ से मदद करने लगा। समंथा की बहनें एलिस और निक्की नहीं चाहती थी कि कार्टन समंथा से बात करे। कार्टन उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की विनी को बहुत पसंद करता था, क्योंकि समंथा कार्टन की सबसे अच्छी दोस्त थी। कार्टन ने समंथा को विनी के प्रति उसके प्रेम की बात बता दी। समंथा को भी विनी नाम की वो लड़की पसंद आई। कार्टन और समंथा प्रायः विनी के बारे में बातें करने लगे। जब एलिस और निक्की को मालूम हुआ कि कार्टन समंथा से प्रेम नहीं करता था तो उनको बहुत खुशी हुई।
कुछ ही दिनों में सामंता, कार्टन और विनी भी अच्छे दोस्त बन गए। विनी एक बहुत ही शांत लड़की थी और वो बहुत कम बोलती थी। कार्टन और विनी को एक दूसरे से प्रेम हो गया। कई महीने बीत गए परंतु दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के समक्ष प्रेम प्रस्ताव नहीं रखा। विनी उस शहर में नहीं आई थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को उसको शहर में घुमाने के लिए अनुरोध करती थी। विनी, कार्टन और सामंता खूब घूमते थे और बहुत समय साथ साथ बिताते थे। एक दिन कार्टन और सामंता ने आपस में बातचीत के दौरान यह निर्णय किया कि अब उनको विनी को कार्टन के प्रेम के बारे में बता देना चाहिए। उन्होंने विनी को एक शॉपिंग मॉल में बुलवाया। वो मॉल कॉलेज के पास ही था। अगले दिन विनी कुछ जल्दी ही उस शॉपिंग मॉल में पहुंच गई। कार्टन और सामंता अभी वहां नहीं आए थे। वो दोनों अभी तक अपने अपने घर पर ही थे। अचानक उन्होंने टेलीविज़न पर समाचार सुना कि शॉपिंग मॉल में एक बम विस्फोट हो गया था। उस विस्फोट में 150 लोग मारे गए थे। वो लोग विनी को वहीं तो मिलने वाले थे। कार्टन ने तुरंत ही सामंता को फ़ोन किया। सामंता ने उसको बताया कि वो अभी तक अपने कमरे में ही थी। उन दोनों ने फिर विनी को भी फ़ोन किया परंतु विनी ने फ़ोन नहीं उठाया। सामंता और कार्टन दोनों ही बहुत विचलित हो गए। वो तुरंत ही विनी से मिलना चाहते थे परंतु वह सफल नहीं हुए। पूरे शहर में भयंकर तनाव उत्पन्न हो गया था। चारों तरफ सुरक्षा सैनिक तैनात हो गए थे। हर तरफ एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस थी। सामंता और कार्टन विनी को ढूंढने में लगे हुए थे। एलिस और निकी बड़े मजे से अपने घर में बैठी थी। उनको तो कोई भी चिंता नहीं थी। दो दिन बीत गए परंतु सामंता और कार्टन को विनी नहीं मिली। अगले दिन विनी सामंता के कमरे में पहुंच गई। उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे। सामंता ने तुरंत ही कार्टन को फ़ोन पर बता दिया कि विनी बिल्कुल ठीक ठाक थी। सामंता ने विनी को स्नान करवाया और उसको नए कपड़े दिए। उसने पूछा कि क्या हुआ था और वो दो दिनों तक कहाँ थी। विनी ने बताया कि वो मॉल में गई थी और वहाँ बम विस्फोट हुआ था। उसको भी थोड़ी सी चोट लगी थी परंतु वो बच गई थी। वो बहुत भयभीत हो गई थी और उसको नहीं मालूम था कि उसको क्या करना चाहिए। वो उस शहर में नहीं थी और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहती थी। बम विस्फोट के बाद उसको एक औरत स्त्रियों को हॉस्टल में ले गई थी और उसको दो दिनों तक वहीं रखा था। विनी ने बताया कि उसका हैंडबैग खो गया था और उसका मोबाइल फ़ोन उस बैग में ही था, इसीलिए वो किसी को भी फ़ोन नहीं कर पाई थी। उस स्त्री ने हॉस्टल में दो दिनों तक विनी की देखभाल की और उसका उपचार किया और खाने पीने को दिया। विनी ने कहा वो अभी उस हॉस्टल से ही आई थी। कुछ दिनों तक विनी को सामंता ने अपने साथ अपने कमरे में ही रख लिया और दोनों साथ साथ ही कॉलेज जाने लगे। कुछ दिनों के बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। विनी और कार्टन के प्रेम से बहुत से छात्र जलने लगे थे और बहुत से लोगों ने तो कार्टन को विनी के बारे में बहुत सी बुरी बुरी बातें भी कही। सब लोग झूठी अफवाहें फैला रहे थे। विनी बहुत ही दुखी हो गई थी। वो कार्टन से मिली और कार्टन और सामंता से कहा कि वो दोनों उससे दूर ही रह करें, नहीं तो वो दोनों भी बदनाम हो जाएंगे। सामंता ने कहा कि विनी को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सामंता और कार्टन दोनों ने ही कहा कि उनको अपनी दोस्त विनी पर पूरा विश्वास था। एक हफ्ते के बाद कार्टन का जन्मदिन था। सामंता और विनी ने उसके जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाई। एक दिन कार्टन कॉलेज नहीं आया। सामंता और विनी दोनों को ही चिंता होने लगी। उसी शाम को सामंता और विनी कार्टन के कमरे पर पहुंच गई और उन्होंने कार्टन के बारे में पूछा। उनको कार्टन से मिलवा दिया गया। कार्टन बहुत ही थका हुआ दिख रहा था। उसको बहुत जोर का सरदर्द हुआ था। उसने कहा कि वो आराम करना चाहता था। सामंता और विनी अपने अपने कमरे में चली गई। अगले दिन तीनों फिर से कॉलेज में मिले। तीनों बातचीत के दौरान अपने अपने रहस्य बताने लगे। कार्टन ने उनको अपने स्कूल के जीवन के बारे में बताया। सामंता ने खुलकर बताया कि वो भी कार्टन को प्रेम करने लगी थी, पर जब उसने देखा कि कार्टन विनी से प्रेम करता था तो वो पीछे हट गई थी। उसने कहा कि अपने प्रेम को भूलकर उसने कार्टन को सिर्फ दोस्त बना लिया था। विनी ने उनको कहा कि
उसके जीवन में ऐसा कोई भी रहस्य नहीं था। तीनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे और शाम को घर चले गए। अगले दिन सामंता ने कार्टन को कहा कि कार्टन के जन्मदिन पर उनको एक पार्टी का आयोजन करना चाहिए। सामंता ने कहा कि उस पार्टी में कार्टन को सबको बताना होगा कि वो विनी से ही शादी करेगा, इस तरह लोग विनी के बारे में गलत अफवाहें फैलाना छोड़ देंगे। कार्टन को वो विचार पसंद आया। जब उन दोनों ने विनी को उस पार्टी के बारे में और अपनी योजना के बारे में बताया तो विनी बहुत ही खुश हुई। तीनों मिलकर पार्टी की व्यवस्था करने लगे। पार्टी से एक दिन पहले उन्होंने कार्टर के घर को बहुत सुंदर ढंग से सजा दिया और निमंत्रण पत्र बांट दिए। तीनों बाजार गए और सामंता और विनी ने नई ड्रेसें खरीदी। उन्होंने शाही ड्रेसें खरीदी। कार्टर ने उनके कपड़ों के पैसे दे दिए क्योंकि वही सबसे अमीर था और शाही परिवार से होने के कारण उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन सभी अतिथियों ने कार्टन को उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। शाम को पार्टी में बहुत से मेहमान इकट्ठे हो गए थे। सभी ने खूब मजा किया। पार्टी बहुत ही अच्छी थी। पार्टी के दौरान सामंता विनी को अपने साथ लेकर ऊपर के कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद शाही ड्रेसें पहने सामंता और विनी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सभी अतिथि उनको ही देखने लगे। अचानक कार्टन ने चिल्लाकर कहा, देखो सभी लोग, ये है मेरी राजकुमारी। अचानक वो सामंता के सामने घुटने के बल बैठ गया और बोला, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सामंता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सामंता, विनी और वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि सभी सोच रहे थे कि कार्टन विनी से शादी करना चाहता था। कार्टन ने खड़े होकर सबको बताया, मेरे दोस्तों, आप सबके सामने मैं एक रहस्य खोलने जा रहा हूँ। ये लड़की विनी एक आतंकवादी है। इसने मेरा और सामंता से दोस्ती का नाटक किया और हमारा प्रयोग किया। उस दिन जो बम विस्फोट हुआ उसमें विनी भी शामिल थी। सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। कार्टन ने फिर कहा, एक दिन मैं कॉलेज नहीं गया, उस दिन मैंने सर दर्द का बहाना बनाया था। मेरे शुभचिंतक एक पुलिस अफसर ने मुझे एक दिन पहले विनी की वास्तविकता बता दी थी। उसने मुझे बताया कि बम विस्फोट के बाद कोई भी औरत विनी को कहीं नहीं ले गई थी। विस्फोट के बाद विनी भाग गई थी अपने अन्य आतंकवादी साथियों के साथ। मैंने एक दिन बातों बातों में अपने अपने रहस्य बताने को भी कहा, परंतु विनी ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बम विस्फोट के बाद दो दिनों तक वो अपने साथियों के साथ रही और फिर उसको एक सुरक्षित स्थान चाहिए था रहने के लिए। वो सामंता के कमरे पर पहुंच गई। विनी ने मेरा प्रयोग किया क्योंकि मैं शाही परिवार से हूँ और मेरे साथ उसको देखकर कोई भी सरकारी अफसर उस पर शंका नहीं करेगा। वो किसी तरह पुलिस से बच गई, पर मेरे दोस्त पुलिस वाले ने मुझे उसकी असलियत बता दी। सामंता एक सच्ची लड़की है और उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। वो हमेशा ही मेरी एक सच्ची दोस्त रही है। मैं सामंता से प्रेम करता था, पर मैंने तब तक चुप्पी बनाए रखी जब तक मुझे विनी के खिलाफ सबूत न मिल जाए। मेरे दोस्त पुलिस अफसर ने बम ब्लास्ट के बाद मुझे विनी की पूरी कहानी बताई। सामंता बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए मैंने आज उसके समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा। आप तो हैरान हुए होंगे, पर हकीकत यही है कि मैं सामंता को प्रेम करता हूँ। कार्टन ने फिर से सामंता की तरफ देखकर कहा, सामंता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सामंता की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से सर हिला दिया। कार्टन धीरे धीरे अपनी सिंड्रेला की तरफ बढ़ने लगा। उपस्थित लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अचानक कुछ पुलिस वाले प्रकट हो गए और वो विनी को अपने साथ ले गए। सामंता और कार्टन को अतिथियों ने घेर लिया और सभी मिलकर नाचने और गाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।